हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप अगर पेरिस आए तो पेरिस की मेट्रो को आखिर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो। हम लोगों का डेस्टिनेशन है आईफल टावर। वैसे यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट जोन्स भी हैं और फिर उस जोन्स के अकॉर्डिंगली पासेस भी मिलते हैं, तो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आते हैं तो पासेस अच्छे होते हैं। बट हम सिर्फ एक स्टॉप से एक स्टॉप जाने वाले हैं, मतलब जहाँ हमारा अपार्टमेंट है वहाँ से हम आईफल टावर जाने वाले हैं। तो सिर्फ टिकट्स कैसे लेते हैं और कैसे मेट्रो को यूज़ करते हैं पेरिस में और आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, वो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो पासेस हैं उसके लिए हम लोगों ने जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप कितने दिन रुकेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप वो पास ले सकते हैं। बट उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी मेट्रो स्टॉप पर आएंगे, जैसे हम आए हैं, ये है मेट्रो का नाम और यहाँ पर दो कलर के लाइन्स चल रहे हैं, तो वो लिखा आ जाएगा और नंबर्स भी लिखे हैं 8 और 9। तो आप कहीं पे भी आएंगे तो आप पहले चेक कर लीजिए कौन सी मेट्रो कलर की लाइंस यहाँ पे चल रही है। लेट्स गो इन। और ये मेट्रो का सिंबल, मेट्रो स्टेशन के अंदर आते ही आपको दिखेंगे ये तीन मैप्स, एक ये मैप, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला जो मैप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये है मेट्रो का मैप और इसके अंदर आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा मेट्रो का लाइंस दिख रहे हैं, इसी से पता करते हैं कि कहाँ पे कैसे जा सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं, मैं वो भी बताती हूँ। उससे पहले किसी ने यहाँ सिगरेट डाल दिया है, वेरी बैड। बट यहाँ देखिए, ये है सारे मेट्रो के लाइंस 1 से लेके 14 तक और डिफरेंट कलर्स हैं। ये ट्रेन जो लिखा है RER वो रीजनल है, मतलब पेरिस से बाहर जाने वाली जो ट्रेन्स हैं उनके लिए है, और ये ट्रैम्स हैं। बट अभी हम स्पेसिफिकली मेट्रो का बात कर रहे हैं। बाहर हमने आपको बताया ही था इस मेट्रो स्टेशन का नाम है, जो यहाँ पे अगर मैप में ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया है हम यहीं पे रह रहे हैं, सो हम यहाँ पे हैं अभी, ग्रैंड्स बोलवार्ड्स, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट दिस इज़ द प्लेस दैट वी आर इन। और देखिए यहाँ पे दो कलर का लाइन्स जा रहा है, जो बाहर भी दिखाया था, ग्रीन और पिंक। और हम जाना चाहते हैं आईफल टावर, सो अभी आईफल टावर इस स्टेशन से कैसे पहुँच सकते हैं। सो ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें आईफल टावर के काफ़ी पास पहुंचा देगी, विच इज़ दिस स्टेशन ट्रोकार्डो, जो ट्रोकाडेरो है, ये वाला जो स्टेशन है हम यहाँ उतरेंगे। वैसे जो मेन आईफल टावर का स्टेशन है वो येलो लाइन में आता है, चैम द मार्च टू आईफल, बट वो आपको डायरेक्ट आईफल टावर के नीचे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल आईफल टावर के पास आ जाएंगे। और हमारा प्लान है कि हम थोड़ा दूर उतरें आईफल टावर से और फिर आराम से वॉक करते हुए आईफल टावर को दूर से देखते हुए फिर पास जाएं। इसलिए हम उतर रहे हैं इस ग्रीन लाइन पर जो आपको दिखाई थी, इस ग्रीन लाइन पर जा रहे हैं और यहाँ पर उतर रहे हैं, दिस प्लेस ट्रोकाडेरो पर उतरेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे डायरेक्शन में जाना है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखेंगे तो एक जो स्टॉप है लास्ट वाला वो है पॉन्ट दे सर्ज, ये एक स्टॉप है इस ग्रीन लाइन का, और दूसरी जो जा रहा है वो है ये। तो जब आप मेट्रो पकड़ेंगे ना, मैं दिखाऊंगी भी जब हम मेट्रो पकड़ेंगे तो किस डायरेक्शन का मेट्रो पकड़ रहे हैं वो देख लीजिएगा, और फिर उस डायरेक्शन में भी मेट्रो को पकड़ के उस स्टॉप पर आप आराम से उतर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मैप की, अब बात करते हैं इस मैप की। और ये मैप तब काम आएगा जब आपको किसी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है। जैसे अभी देखिए उधर सॉर्टी लिखा हुआ है, सॉर्टी आने होता है एग्जिट, तो उधर एग्जिट के नीचे लिखा है नंबर 4 और जहाँ निकलेंगे वहाँ। यहाँ पे देखिए यहाँ भी सॉर्टी लिखा है एग्जिट और 1 और 2 लिखा हुआ है, और यहाँ सॉर्टी लिखा है और नंबर 3 और उस स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है। तो अब इसमें आपको कैसे पढ़ेंगे, तो ये जो एरिया है दिस इज़ द एरिया वी आर स्टेइंग, और ये है उधर स्टेशन का नाम भी यही था, बोलवार्ड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये है। तो यही हमारा एरिया भी है, तो इसमें आप देखेंगे ना तो वेरी क्लियरली यू कैन सी कि अगर आप अभी 4 दिखाया था तो कैसे दिख रहा था, जैसे ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। सो ये 4 वाला एग्जिट निकलेंगे यहाँ से, तो आप ये चीज़ ये देख सकते हैं। जैसे अगर आपको बाय चांस ये म्यूज़ियम जाना है तो यू नो इट देन आपको कौन से एग्जिट से निकलना है। आप सेकेंड एग्जिट से निकलेंगे तो जल्दी से यहाँ म्यूज़ियम में पहुँच जाएंगे। अगर गलती से किसी दूसरे एग्जिट से भी निकल जाते हैं सो नॉट अ प्रॉब्लम, थोड़ा और चलना पड़ेगा, बट
बाहर तो आ जाएंगे और पहुंच जाएंगे, बट अगर आप प्रॉपर एग्जिट से निकलते हैं तो फटाक से उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। सो आप जब निकलें तो एक बार ये मैप अगर दिख जाए तो ये मैप को भी पढ़ लीजिए, और एग्ज़िट का नंबर आपको कौन सा है वो इस मैप से चेक कर लीजिए और फिर उस एग्ज़िट पर निकल जाइए। और जो मेन मेन टूरिस्ट स्टॉप्स है ना, उसमें तो ये मैप का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है। जैसे लूवर पे जाना है तो ऑलरेडी एक सिंबल बना हुआ है कि लूवर जाने के लिए इस तरफ एग्जिट पे निकलना है, तो वो और भी आसान है। बट हाँ, जहाँ पर आपका अपार्टमेंट या होटल है वो हो सकता है बड़ा स्टेशन नहीं हो, वहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ऐसा मैप चेक कर लीजिए और फिर निकलिए, और एक बार निकल जाएंगे तो फिर पता ही चल जाएगा। So those are the two maps that are very important that you should know to make it tourist friendly. पता ही है पेरिस में कितने टूरिस्ट आते हैं, तो ऐसा इंफॉर्मेशन वाला मशीन भी लगा हुआ है जिस पर आप चेक कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सारी लैंग्वेजेस भी हैं, सो इट्स ऑलरेडी ऑन इंग्लिश, तो आप देख सकते हैं आर्क द ट्रायम्फ, शांज़ेलीज़े वाला स्ट्रीट यहाँ पर है, और इट्स लाइक योर गूगल मैप। नोटर डैम यहाँ पर है, टूर द आईफिल, तो हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं आईफिल टावर पे, एंड वी आर हियर, सो इट्स सो ईजी। हमारी ये ग्रीन लाइन हमें यहाँ पहुँचाएगी और फिर हम ऐसे वॉक करते हुए यहाँ पर जाएंगे। बट आप चाहें तो ये आप कहीं से येलो लाइन पकड़ सकते हैं, तो आप ये ग्रीन लाइन पे चेंज कर सकते हैं इस वाली ग्रीन लाइन पर, फिर येलो लाइन से आ सकते हैं। सो दे आर मल्टीपल वेज टू डू इट, बट दिस इज़ अनादर फ्रेंडली वे। अगर हमें टूर द आईफिल के जिस स्टॉप पर जाना है, सो लेट्स फाइंड आउट द रूट। मैंने यहाँ क्लिक किया एंड यहाँ क्लिक किया गो देयर, सो सी इट स्टार्टेड टेलिंग मी, जो हमारे गूगल पे भी आ जाता है एक्चुअली में, कि हमें यहाँ पिंक लाइन पकड़ना चाहिए, फिर RECC पकड़ना चाहिए, ओ 4 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ पहुँचेंगे चाम द मार्च टूर आईफिल पे, और फिर 8 मिनट्स का वॉक करके आई विल रीच। सो ये पूरा आपका प्लान बना देगा, यहाँ पे भी उसने पूरा बता दिया है कि पिंक लाइन से इन यहाँ जाना है इनवैलिड्स पे, और फिर ये येलो लाइन पकड़ के यहाँ उतरना है और फिर वॉक करना है। And now it's time to buy the tickets. और टिकट के लिए होती है टिकट मशीन, और इंफॉर्मेशन सेंटर से भी आप टिकट बाय कर सकते हैं, बट हम टिकट मशीन से बाय कर सकते हैं, तो वील बाय फ्रॉम टिकट मशीन। सो ये है सेल्फ सर्विस मशीन, और यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो अगर पास हो आपके पास, तो हमारे पास नहीं है, सो वी गो टू हियर, एंड उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको जैसे एयरपोर्ट टिकट लेना है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, डिजनी लैंड के लिए सेपरेट टिकट्स हैं, हमें ये लेना है टिकट टी प्लस, और इसमें विल हैव फुल फेयर, और हमें सिंगल जर्नी के लिए 2 टिकट्स चाहिए, तो सिंगल जर्नी क्वांटिटी 2, तो इसे वैलिडेट कर देते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू पे, 3 यूरोज 80 सेंट्स का दोनों का टिकट आ जाएगा, और अभी ये टिकट आ गया। वैसे हमने कार्ड से पे किया है, आप चाहें तो कैश से भी पे कर सकते हैं, एंड दिस इज आर 2 टिकट्स। अब देखते हैं कौन से डायरेक्शन में जाना है, वो जो दिखाया था वो किधर है, लेट्स फाइंड आउट। तो इस डायरेक्शन में हमें जाना है पॉन्ट दे सर्व्स, और जो दूसरा डायरेक्शन है वो उस तरफ है, यू सी मॉन्ट्रियल, वो ग्रीन वाला, तो वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है इस तरफ, और इस तरफ में कौन से स्टॉप्स आएंगे वो भी यहाँ पर लिखा रहता है। सो ये देखिए, ये पॉन्ट यहाँ जाना है और यहाँ पे स्टॉप्स लिखे हुए हैं, तो पॉन्ट दे सर्व्स जो है, सर्वर्स जो भी है, वो लास्ट स्टॉप है, तो वहाँ तक जाएगी और हमें उतरना है दिस स्टॉप पे। सो कितने स्टॉप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप विल बी आर्स, तो चलते हैं मेट्रो पकड़ने अब। तो ये देखिए, यहाँ सॉर्टी लिखा है, और ये 1 2 3 4 जो मैं आपको बताई रही थी, और जैसे ये म्यूजियम यहाँ का फेमस है तो इसके लिए अलग से डायरेक्शन लिखा हुआ है, so it's easy, and now the metro is here. और अभी मास्क कंपलसरी है पेरिस में, ये बात हम बताना भी भूल गए, और हम बात करते करते लगाना भी भूल गए, बट लगा लिया है मास्क हम लोगों ने। और मेट्रो के अंदर भी आएंगे तो ये ऐसा डिजिटल बोर्ड दिख जाएगा, सारी मेट्रोज में नहीं है, बट जो नई मेट्रो लाइंस हैं उसमें है, तो उसमें भी आपको डॉट्स दिखेंगे कि किधर कौन से स्टेशन पे रुकी हुई है और फिर कौन से स्टेशन पे जाएगी, वो डॉट
लाइट हो जाएगा उसका। तो आ गए हम लोग स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के बाहर, और स्टॉप है रुदला पॉम्पे। और आप बोल रहे होंगे इतनी बार मेगास्ट तब तो कुछ और बताया, अभी यहाँ कैसे? तो एक्चुअली वहाँ पे मेट्रो रुकी नहीं फॉर सम रीज़न, और जो वहाँ पे डिजिटली वो जो लाइट, डिजिटल तो नहीं बट जो वो लाइट नहीं ब्लिंक हो रहा था उधर, वो लाइट ऑलरेडी स्टॉप था। तो मतलब वहाँ उस स्टेशन पे कुछ तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं रुकी। तो हम एक आगे के स्टेशन पर रुक गए, और अब हम जाएंगे ऑल द वे वॉक करके जहाँ हमें जाना है, विच इज़ आईफल टावर। सो लेट्स गो एंड सी द आईफल टावर। वो स्टॉप इसलिए बंद है क्योंकि समथिंग इज़ हैपनिंग नियर बाय दैट स्टॉप। या तो प्रोटेस्ट चल रहा है या कोई परेड चल रही है, और सब के सब ना अब देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, और शोर भी आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, और हम अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है सौरभ? हर बार हम लोग कहीं भी जाते हैं ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या, मगर आज सच में सब लोग जा रहे हैं। समथिंग इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ हैपनिंग विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ऐसा एंग्री वाला प्रोटेस्ट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि पीपल आर वेल ड्रेस्ड एंड पीपल लुक काम, एंड ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, वहाँ जाके शायद पता चल जाएगा क्या होगा। या वी आर बिट आउट ऑफ न्यूज, सो क्या पता कोई टूर्नामेंट तो जीता नहीं है। देयर इज नो सेलिब्रेशन प्लान, बट वी विल फाइंड आउट एंड वी विल टेल यू इफ वी फाउंड आउट। बट वी आर हेडिंग टू अवर डेस्टिनेशन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों इतनी भीड़ हो रही है, वो तो हमें अभी नहीं पता चला है। पर हम इस स्टेशन पे आखिर आए क्यों थे, और आईफिल टावर के स्टेशन पे क्यों नहीं गए थे? लेट अस शो यू, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग स्पॉट जहाँ से आप देख सकते हैं आईफिल टावर। लेट्स गो एंड सी इट। तो दिस इज़ द व्यू वी केम फॉर। आप देख रहे हैं आईफिल टावर, लुकिंग अमेजिंग राइट? इस व्यू से आपने कभी आईफिल टावर को नहीं देखा होगा, और अगर देखा है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के लिए हम आए हैं इस स्पॉट पे। अब करते हैं हम इस व्यू को इन्जॉय, और आपको भी छोड़ते हैं इस अमेजिंग से आईफिल टावर के व्यू के साथ। तो ये वीडियो एंड होने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा, और आईफिल टावर के व्यू को इन्जॉय करिएगा, और आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। टिल देन एंजॉय द आईफिल टावर व्यूज। बाय।